अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि झटपट से आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिल जाए। और आज मुझे थोड़ा सा देर हो गई है स्टार्ट करते हुए क्योंकि मैं घर में कुछ कामों में बिज़ी थी एंड देन थोड़ी सी लेज़ी हुई भी थी। आई डोंट नो, कभी कभी हो जाता है ऐसे, एवरी डे आपकी सेम एनर्जी नहीं होती। और इसीलिए देखिए ना कितनी शदीद धूप और गर्मी आपको नज़र आ रही होगी। तो चलें चलते हैं और अपना डे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चाय पीते हैं। ये देखिए कितनी धूप है। A few inches later. हाँ जी गाइस, मैंने सोचा कि मैं जाके अपनी चाय बनाती हूँ एंड देन मैं आपको अपना चाय का जो मैंने सेटअप बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे घर को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है और मैंने अपने घर में, अपने पूरे घर में इन एंड आउट हर जगह को बड़े अच्छे से अरेंज किया हुआ है। और बिलीव मी, इतना मज़ा आता है, मज़ा आया, इतना सुकून फील होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती और मुझे अच्छा लगता है। और ये मैंने अपना चाय का पूरा सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने अपनी कैटल, अपने शुगर, जो लूज वाली शुगर होती है वो मैंने इसमें डाली हुई है। इसमें मैंने टी बैग्स डाले हुए हैं, ये देख सकते हैं, वो शुगर वाला खुल नहीं रहा था। एंड देन इसमें कैफीन फ्री जो टी बैग्स हैं वो मैंने डाले हुए हैं और साथ स्टीविया है क्योंकि मैं रेगुलर शुगर नहीं पीती, स्टीविया पीती हूँ। और ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। साथ मैंने प्यारी सी दो डकीज रखी हुई हैं गोल्डन, देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। एवरीथिंग इज लुकिंग सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। एंड ये मैंने पत्थर का, इसको क्या कहते हैं, चट्टू वट्टा ही कहते हैं आई थिंक सो, वो मैंने रखा हुआ है ताकि कभी छोटी इलायची जो सी है ये मैंने रखी हुई है यहाँ पे, अगर चाय में दिल करे डाल के पीने का। मैं नॉर्मली तो नहीं पीती वैसे, तो कभी कभी अच्छा लगता है। तो वो हम अपनी चाय बनाते हैं और बहुत मज़ा आता है। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे भी ये बात शेयर करूं, आपको भी दिखाऊं। अगर किसी को अपना कुछ सेटअप वगैरह करवाना है, डेकोरेट करवाना है अपने घर को, तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। चलें अपनी चाय पीते हैं और अपना डे स्टार्ट करते हैं। A little while later. हाँ जी गाइस, ये क्या है? What? मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। ये है वाटरमेलन, और वाटरमेलन है, और यहाँ पे अमेरिका में इसी साइज़ के वाटरमेलन मिलते हैं और जस्ट ओनली समर में मिलते हैं। बाकी सारे फ्रूट्स हर सीज़न में मिल जाते हैं बट वाटरमेलन ज़्यादा क्वांटिटी में सिर्फ आपको समर में ही मिलेगा। और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप बताऊँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ काफ़ी सालों से। मुझे, मैंने कहीं से देखा नहीं, मैंने कहीं से सुना नहीं, ये मेरी अपनी टेक्निक है, बल्कि मेरी सारी बहनें, मेरी अम्मी सब लोग कहती हैं ये तुम्हारी बहुत बेस्ट टेक्निक है जो तुम यूज़ करती हो। मैं क्या करती हूँ कि मैं वाटरमेलन को मिडल में हाफ कर लेती हूँ लाइक दिस। ये देखें कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त वाटरमेलन निकला है। और इसको मुझे सारा तो मैं यूज़ नहीं कर सकती, मेरी छोटी सी फैमिली है और मुझे जितना चाहिए उतने मैं स्लाइसेस ले लूँगी और बाकी मैं स्लाइसेस सारे पूरे मेलन को फ्रिज में रख दूँगी ऊपर से कवर करके। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये आपका वाटरमेलन 2-3 हफ्ते तक पड़ा रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होएगा। अच्छा, अगर आपको, अगर आप इसी तरह उसको काट के उसको पील को फेंक देंगे और अंदर का जो जितना भी उसका असल जिसको हम खाते हैं वो आप बॉक्स में डाल के रखेंगे तो वो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उसमें से स्मेल आने लगेगी, वो ख़राब हो जाएगा, तो फिर आपको फेंकना पड़ेगा या फिर आपको ज़बरदस्ती उसको खाना पड़ेगा ताकि वो वेस्ट ना हो। तो मैं जौन सी हूँ वो जितना मुझे चाहिए एक बंदे के लिए एक स्लाइस, डिपेंड करता है आप कितना खाना पसंद करते हैं, तो मैं उतना कर लेती हूँ। और ऑलरेडी मैं बाकी मेलन्स को भी इसी तरह करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा मेलन जौन सा है, कैंटलोप हनी ड्यू, जिसको हमारे पाकिस्तान में गरमा या खरबूजा कहते हैं,
तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसका भी मैंने हाफ यूज़ कर लिया है, हाफ मेरा फ्रिज में पड़ा हुआ है। ये देखें, ये मेलन था, इसका मैंने हाफ़ यूज़ कर लिया और हाफ फ्रिज में पड़ा हुआ है। तो ये मैंने बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, ये बॉक्स इस तरह बंद है इसलिए उसको एयर टाइट है, उसको कुछ भी नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा ऊपर से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सबको, ये बहुत अच्छी टिप है तो मैं सबको बताऊं। आई होप आपको ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी और ये बड़ी अच्छी बात कही आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमने इसको ट्राई किया है और इसमें हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। चलें चलते हैं और इसको अब जो मैंने इसका जितने स्लाइसेस चाहिए उसको मैं यूज़ करती हूँ और बाकी उसको फ्रिज में रखती हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। Later. हाँ जी गाइस, मैं थोड़ी देर अब बाहर आई थी, मैंने कहा थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ और थोड़ा सा बाहर का भी वेदर को थोड़ा इंजॉय करते हैं। काफ़ी अच्छा वेदर हो गया, आप डे टाइम में भी बैठ सकते हैं और रात को भी थोड़ी देर बैठ सकते हैं, पर टिड्डियों ने बहुत शोर मचाया हुआ बाहर। एनी हाउ, मैंने सबको खाना वाना दे दिया है और मैंने खाने में लिया है वाटरमेलन है और साथ मैंने छोटे पराठे रोल से बनाए हैं। मज़ेदार। तो अब मैं खाना वाना खाती हूँ और अपनी वीडियो को मैं यहीं पेंड करने जा रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और प्लीज़ आप वॉच कर लेते हैं, वॉच भी नहीं करते आप, बस सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मुझे बहुत दुख हो रहा है, और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे और लाइक भी नहीं कर रहे, तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए।